दोस्तों फरवरी और मार्च का जो महीना है वो काफी डिफिकल्ट रहता है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि फरवरी और मार्च के अंदर ही हर साल उन्हें कुछ ना कुछ अपने जो भी वो क्लास में होते हैं, जो भी स्टैंडर्ड में होते हैं, उन्हें करना होता है। अपनी पूरी साल की मेहनत को दिखाने का वक्त होता है और उन्हें करना पड़ता है बहुत ज्यादा स्ट्रगल अपनी पढ़ाई के साथ में, और बहुत सी परेशानियां भी यहाँ पर उनके सामने आ जाती है। हालांकि जनवरी के अंदर उन्होंने न्यू ईयर भी मना लिया, उससे पहले उन्होंने क्रिसमस भी सेलिब्रेट कर लिया, और न्यू ईयर के साथ में उन्होंने बहुत सारे प्रोमिसेज ले लिए अपने 2019 के लिए कि हमें करनी है भैया बहुत सारी मेहनत और करना है अपने आप को सक्सेस। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया और वो जो एक अच्छे कामों की जो लिस्ट थी जो 2019 में होने वाले थे, वो लिस्ट रह गई किसी घर के कोने के अंदर, और उसी के साथ जो उन्होंने प्लानिंग की थी अपनी पढ़ाई को लेके, वो भी कहीं ना कहीं दब जाती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कुछ ऐसे ही एग्जाम्स के टिप्स के बारे में जिनकी मदद से आप कर पाएंगे बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल अपनी पढ़ाई के अंदर। तो दोस्तों देखते रहिए इस वीडियो को आगे, मैं आपसे बात करने वाला हूं कुछ टिप्स के बारे में जिनको फॉलो करके आप अपने एग्जाम के अंदर काफी सक्सेस को ले पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं एंड्रॉइड गुरुजी। दोस्तों सबसे पहले जो है हमारे मन के अंदर ये बात क्लियर होनी चाहिए कि जो भी बोर्ड्स के एग्जाम है, चाहे वो 10th का हो चाहे वो 12th का हो, वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, बिल्कुल जैसे आपके स्कूल के अंदर जो आपके एनुअल एग्जाम होते हैं बिल्कुल वैसा ही। फर्क सिर्फ इतना होता है कि जो एग्जाम पेपर है वो आता है बाहर से बनके, और जो आपकी कॉपी जो चेक होती है वो किसी अननोन टीचर के थ्रू चेक की जाती है। इसके अलावा जो भी ये मिथ्स है मार्केट के अंदर की जो बोर्ड के एग्जाम है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, उनमें जो सक्सेस रेशियो है वो काफी कम निकल के आ रहा है, तो ये सब मिथ्स है। हमें बोर्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन के साथ साथ ये बात भी दिमाग में रखनी है कि जो बोर्ड के जो एग्जाम है वो बिल्कुल वैसे ही नॉर्मल है जैसे हम हमेशा स्कूल के अंदर अपने एनुअल एग्जाम्स को देते हुए हैं। अगर मैं अपनी एक नेक्स्ट टिप की अगर बात कर रहा हूं, तो हमने जितना पढ़ा है, हमें जितना समझा है, हमें उसी को एक पर्टिकुलर लेंथ के अंदर लिखना चाहिए, क्योंकि ये मान के चलिए कि जो भी टीचर कॉपी चेक करने वाला है वो कहीं ना कहीं हमसे बेटर जानता है उस क्वेश्चन का आंसर जो आपने कॉपी के अंदर लिखा है। तो मार्केट के अंदर स्टूडेंट्स के अंदर ये मिथ्स रहती है कि हम जितना ज्यादा कॉपी भरेंगे उतने ही ज्यादा हमें नंबर मिल जाएंगे। काफी आपने ये सुना होगा कि सिर्फ कॉपी भरने के नंबर मिलते हैं, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में जो टीचर कॉपी चेक कर रहा है वो बेटर तरीके से जानता है कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना लेंथनी होना है या फिर कितना लेंथली होना है या फिर कितना शॉर्ट टर्म होना है। तो हमें इस टाइप की मिथ से बचना चाहिए कि हमें ज्यादा कॉपी भरने पर ज्यादा नंबर मिलेंगे। अगर एक नेक्स्ट टिप की अगर मैं बात करूं, तो जो पेपर लीक्स को लेके जो मार्केट के अंदर हमेशा रहती है कि हमारे पास एक रात पहले दो रात पहले पेपर आ जाएगा, हमारे पेरेंट्स की जानकारी है, हमें तो पेपर मिलने वाला है, भैया हमें पढ़ाई करने की कहां जरूरत है, तो ये पूरी तरह से एकदम गलत चीज है। क्योंकि ना तो आपको कोई पेपर मिलने वाला है और ना ही, और अगर मिल भी गया तो पूरी तरह से सच्चा नहीं होगा। आप उस पेपर के भरोसे अपना जो सारा एक साल की आपने जो मेहनत की है वो आप उसे कहीं ना कहीं बर्बाद कर लोगे। हाँ ठीक है कि पेपर आते हैं, लेकिन वो गैस पेपर होते हैं। सपोज आप उनको करके आपकी एक हैबिट बनती है कि मुझे 3 घंटे 2.5 घंटे के अंदर कैसे अपने पेपर को कंप्लीट करना है, ना कि वो पेपर एज इट इज आने वाला है। तो पेपर लीक्स को लेके जो है उनमें बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसकी बजाय आपको घर में बैठ के मन लगा के पढ़ाई करने के अंदर आपको जो सक्सेस रेशियो है वो आपको यहाँ पे ज्यादा मिलने वाला है। अगर मैं आपसे एक नेक्स्ट टिप की अगर बात करता हूं, तो सोशल मीडिया को आपको यहाँ पे टाटा बाय बाय करने का टाइम आ गया है। दोस्तों आपके चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, आपको पेपर तक जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते तब तक आपको इन सोशल मीडिया को टाटा बाय बाय करने की जरूरत है। क्योंकि आधी से ज्यादा जो जनरेशन है वो सोशल मीडिया पे लगी हुई है, मेरी उससे बात नहीं हो रही, मुझे उससे बात करनी है, चैटिंग करनी है, वीडियो कॉल करनी है, ये करना है वो करना है, तो सारा टाइम तो वहीं खराब हो गया। सपोज आप पढ़ाई भी कर रहे हैं तो आपके मन में तो ये रहेगा ना कि 8 बजे मुझे ये देखना है, 10 बजे मुझे वो चैनल देखना है, ये करना है वो करना है। तो फिलहाल आपको 1 से 1.5 महीने के लिए जो सोशल मीडिया है उसको पूरी तरह से टाटा बाय बाय करने की जरूरत यहाँ पे आपको पड़ने वाली है। और जो पेरेंट्स से मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उनसे भी मेरी एक ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जो बच्चे हैं आपके 10th या 12th क्लास के अंदर, उनके मोबाइल आपको एक बार अंदर रख देने चाहिए। ऐसी बात नहीं कि आप उन्हें सुविधा ना दें, बिल्कुल आप उन्हें सुविधा दें, उन्हें अगर किसी से बात करनी है, कुछ भी करना है, वो सब चलेगा, लेकिन सोशल मीडिया से जितना हो सके अपने बच्चों को दूर रखें। और जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी दूर तो रहना पड़ेगा, क्योंकि यही एक ऑप्शन है, क्योंकि ये आपका एक तरह से कह सकते हैं कि यही आपका एग्जाम है कि आप अपने मन को कितना कंट्रोल कर सकते हैं। देखो पढ़ाई सारी दुनिया करती है, जो स्टूडेंट्स है वो सारे पढ़ाई करते हैं, लेकिन जो टॉप करते हैं वो वही लोग होते हैं जो अपने मन के अंदर कंट्रोल करते हैं इन सब डिस्ट्रैक्शंस को लेके, बस वही जो होते हैं वो इस चीज को टॉप करते हैं, बाकी पढ़ाई तो सभी करते हैं। अगर मैं आपसे आपके सामने एक नेक्स्ट अगर मैं अपने बात करता हूं, तो रेगुलर स्टडी की आपको यहाँ जरूरत पड़ने वाली है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं कल नहीं पढ़ूंगा और मैं परसों उसका कवरेज कर लूंगा, मैं डेली अगर मैं 4 घंटे पढ़ाई कर रहा हूं तो मैं आज पढ़ाई नहीं करूंगा और कल जाके जब मैं पढ़ाई कर लूंगा, तो बिल्कुल आपको ऐसा नहीं करना है। क्योंकि
आप जो एक रेगुलर पढ़ाई करते हैं उसके अंदर आपको काफी इंप्रूवमेंट मिलेगा आपकी। अगर आप गैप गैप रख रहे हैं उसके बीच में, आज पढ़ाई 2 घंटे कर ली, कल 4 घंटे कर ली, आज रात को पढ़ लिए, कल दिन में पढ़ लिए, तो भैया बिल्कुल भी आपको जो सक्सेस रेशियो है आपका वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है कम, क्योंकि जो रेगुलर पढ़ाई होती है उसकी जो कंपेयर है वो किसी चीज से नहीं किया जा सकता। अगर आप एक रेगुलर स्टूडेंट है, रेगुलर पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट है, तो कहीं ना कहीं आपको जो रिजल्ट है वो आपको बेटर देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। अगर मैं आपके सामने एक नेक्स्ट टिप की अगर मैं बात करता हूँ, तो ट्यूशन के चक्करों में जो लड़के अभी पढ़े हुए हैं, आप रेगुलर ट्यूशन लेते आए हैं 1 साल से तो कोई इशू नहीं है, लेकिन सपोज आपने कभी ट्यूशन ली नहीं है इन 8 से 10 महीनों के अंदर अपने 1 साल की क्लास के अंदर, लेकिन अब एग्जाम से पहले अगर आप किसी ट्यूशन के पीछे भाग रहे हैं, किसी टीचर को पकड़ रहे हैं, किसी कोचिंग को पकड़ रहे हैं कि 1 महीने के अंदर वो आपका सारा सिलेबस आपको कवर करवा देंगे, तो भैया मेरी तरफ से तो बिल्कुल इस चीज के लिए ना है, क्योंकि 1 महीने के अंदर ना तो टीचर आपको करा पाएगा और ना ही आप कर पाओगे। इससे अच्छा है कि आप अपना टाइम खराब करने की बजाय आप घर के अंदर बैठ के करें पढ़ाई। और मेरी मानिए, अगर आप घर के अंदर बैठ के ट्यूशन की बजाय अगर आप घर में बैठ के करते हैं बहुत सीरियसली पढ़ाई, तो आपको काफी बेटर रिजल्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर मैं करता हूं अब एक मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की बात, क्योंकि जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि मेरे जो बोर्ड एग्जाम्स थे उनके अंदर मैंने काफी अपनी सक्सेस दिखाई है। अगर मैं बात करता हूं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, तो मैं सुबह पढ़ना ज्यादा प्रेफर करता हूं। और बिल्कुल मैं आपको भी यही कहना चाहूंगा कि जो सुबह की जो पढ़ाई होती है 4 बजे उठ के, 4:30 बजे उठ के, वो पढ़ाई जो होती है वो दिन के अंदर या रात के अंदर की गई पढ़ाई से काफी ज्यादा बेनिफिशियरी होती है। क्योंकि सुबह जो होता है वो काफी एक शांत माहौल आपको मिलता है, दिमाग फ्रेश होता है, हम एक अच्छी खासी नींद लेके उठे होते हैं और हमें काफी कुछ वहां पे जो है सीखने को समझने के अंदर जो है हमारा माइंड जो है वो हमारा साथ देता है। तो मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। और अगर मैं आपको एक पर्सनल अगर टिप दूं, तो सपोज कीजिए आपके एग्जाम के अंदर 30 दिन बचे हैं और आपके कुछ 5 या 6 सब्जेक्ट है, तो उन्हें आप डिवाइड कर लीजिए कि मुझे कितने सब्जेक्ट को कितने दिन देना है, ठीक है, और जितने आपके उसके अंदर टॉपिक्स है उन सबको एक पर डे डिवाइड कीजिए कि मुझे किस दिन कौन सा टॉपिक कंप्लीट करना है। ऐसे करते करते, सीडी दर सीडी करते करते आप अपना क्या करेंगे, सारा सिलेबस कवर कर लेंगे और आप किसी बिना प्रेशर के अंदर आप सारा का सारा बिना किसी प्रेशर के अब अपना सारा का सारा जो सिलेबस है उसे पूरा कर पाएंगे और अच्छा सा जो है वो रिविजन भी आप कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था मेरे मेरे अकॉर्डिंगली कुछ टिप्स जो काफी बेनिफिशियरी होंगे आपके बोर्ड एग्जाम्स को लेके। अगर आपको किसी भी बोर्ड एग्जाम के लेके, चाहे वो 10th का हो, चाहे वो 12th का हो, या फिर कोई भी नॉर्मल क्लास हो, 8th 9th 10th जो भी है, आपको अगर किसी भी चीज को लेके आ रही है परेशानी जो आपकी सक्सेस के अंदर आपके आड़े आ रहा है, अगर आपको लगता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, तो आप मुझे कमेंट में शेयर कर सकते हैं। मैं बिल्कुल पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको किसी ना किसी तरह आपकी हेल्प कर पाऊं। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ बोर्ड एग्जाम्स।